तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं V3 पंप के असेंबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक नया पंप को बनाने के लिए क्या क्या पार्ट्स यूज किए जाते हैं, उन सभी के क्या नाम हैं और वो किन साइज के आते हैं, और दोस्तों एक उन सभी पार्ट्स को मिला कि कैसे एक नया पंप को बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे 1 HP 10 stage का पंप बनाने वाले हैं जो कि 1 HP मोटर के ऊपर लगता है, और दोस्तों ये 10 stage का है। और यदि दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों कुछ इतनी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है V3 सबमर्सिबल पंप को बनाने के लिए। चलिए सबसे पहले इनके नाम मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये दोस्तों बूसिंग आ जाता है जो कि 18 28 18 की साइज़ वाले दोस्तों इस सक्शन में और एनआरवी में बैठाते हैं। उस दोस्तों सब बना के पंप भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये दोस्तों टॉप वाइसर आ जाता है 6 mm का। उसके बाद ये दोस्तों चावी आ जाती है जो दोस्तों 2 2 15 की है चावी की साइज। दोस्तों 12 mm का 1 mm वाइसर है, 12 1 का वाइसर है। उसके बाद दोस्तों ये 12 1/2 का यानी कि 12 mm होल वाला, 1/2 mm की दोस्तों इसके लंबाई ये चौड़ाई है, और दोस्तों 12 1/2 का ये वाइसर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों ये चावी आ जाती है 4 mm की जिसके द्वारा हम पंप को बनाते हैं। दोस्तों छर्रा आ जाता है जो 18 mm का जो दोस्तों इस बूसिंग में हमें पार करना होता है, दोस्तों आपको पार करके दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों एलंकी बोल्ट्स आ जाते हैं जो दोस्तों शाफ्टिंग में हमें लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों ये प्लास्टिक की स्लीव आ जाती है जो कि हमें सेटिंग स्लीव आ जाती है प्लास्टिक की, उसको दोस्तों सेट करना होता है एम्पिलर बाउल को। उसके बाद दोस्तों ये ऊपर स्लीव आ जाती है शाफ्ट पे जो दोस्तों बूसिंग पे घूमती है। उसके बाद ये कप्पल आ जाता है जो कि मोटर में कुछ इस तरह से लगता है और दोस्तों इस सक्शन में लगता है। उसके बाद दोस्तों लगा के दिखाऊंगा। और दोस्तों उसके बाद ये 7 नंबर का बाउल आ जाता है, देख सकते हैं दोस्तों 1/10 का पंप बनाने वाले हैं V3 का, ये एम्पिलर आ जाता है। और दोस्तों ये शाफ्ट आ जाती है 12 mm की कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये पाइप आ जाता है जो दोस्तों कुछ इस तरह से दिख जाता है आपको, दोस्तों एम्पिलर और बाउल। चलिए दोस्तों सबसे पहले पंप बना के आपको दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलिए दोस्तों सक्शन है, इसमें दोस्तों ये बूसिंग को बिठाते हैं कुछ इस तरह से। बूसिंग को रख के दोस्तों एक लाग रख के मैं इसके ऊपर थोड़ी मार के आराम से बिठा देना होता है। दोस्तों प्रेस मशीन पे मैं बिठाता था लेकिन आपके लिए यहाँ पे लाग पे बिठा। उसके बाद दोस्तों ये बूसिंग कुछ इस तरह से देख सकते हैं फिक्स हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों ये छर्रा में इसके ऊपर से पार करना होता है, इसको भी दोस्तों हथौड़ी से मार के आप पार कर सकते हैं। छर्रा दोस्तों पार हो चुका है। उसके बाद दोस्तों चलिए अब NRV पे बूसिंग बिठाते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से NRV पर बूसिंग हमने बिठा दिया है, उसके बाद इसमें भी छर्रा हमें पार कर देना है। कुछ इस तरह से छर्रा जो है हमने पार कर दिया है। अब चलिए पंप बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये शाफ्टिंग आ जाता है, शाफ्टिंग में हमें दोस्तों ये चावी रखनी होती है शाफ्टिंग के चावी के खांचे पे, और उसके ऊपर दोस्तों ये कप्पल लगा देना होता है। उसके बाद इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे एलंकी बोल्ट आ जाते हैं पाना। उसके बाद दोस्तों इस एलंकी पाना से इस बोल्ट को टाइट कर देना है फुल। दोस्तों यहाँ पे कप्पल जो है हमने लगा दिया है। उसके बाद ये दोस्तों हमें लाग की जरूरत पड़ती है, इसके ऊपर ये जो शाफ्ट है ये बैठ जाते हैं। उसके बाद ये दोस्तों सक्शन को चलिए शाफ्ट पे डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये सेटिंग स्लीव आ जाते हैं जो कि दोस्तों शाफ्ट पे हमें रखनी होती है। दोस्तों चलिए सबसे पहले एम्पिलर डालते हैं। एम्पिलर डाल के दोस्तों हमें क्या करना है, 4 mm की चावी से हमें मापना होता है 4 mm की चावी जा रही है कि नहीं जा रही है। दोस्तों नहीं जा रही है तो उसके एम्पिलर को निकाल के 1/2 mm का वाइसर हमें डालना होता है। यहाँ पे 1/2 mm का वाइसर डाल दिया। उसके बाद फिर से चाबी से नाप लेते हैं, यदि चाबी टाइट पड़ रही है तब तो भी वाइसर आपको डाल ही देना है। और फिर उसके ऊपर ये दोस्तों 7 नंबर बाउल डालते हैं। दोस्तों एक स्टेज हमने बना दिया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एम्पिलर जितना एम्पिलर होगा उतना स्टेज का ही पंप कहलाता है। एम्पिलर और बाउल हुआ तो एक स्टेज हुआ। अब दोस्तों चलिए दूसरा स्टेज भी हम बनाते हैं। सेम टू सेम दोस्तों वही चाबी हमें आराम से चले जानी चाहिए, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 4 mm की हमें जगह रख देनी होती है। चार एम एम की जगह इतना चाल होना चाहिए। अब फिर पंप को घुमा के देख सकते हैं,
चलिए अगला स्टेप बनाते हैं। वही दोस्तों सेम टू सेम ही प्रोसेस करते हैं, हमें चले जाना। और दोस्तों इसके ऊपर भी यहाँ पे ध्यान रखना होता है, यहाँ पे भी इतना चाल होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर नीचे एम्पिलर में प्ले होना चाहिए मूवमेंट, नहीं तो ऊपर जो है एम्पिलर घिस जाएगा। और यहाँ पे भी चाबी नहीं जा रही है, तो क्या करना है, आधे एमएम का वाइसा फिर से हमें डाल देना है। और फिर से चाबी से मापना है। दोस्तों चाबी दोस्तों मेन होती है इस पंप को बनाने के लिए। क्या सेम टू सेम प्रोसेस चालू रखना है, एम्पिलर डालना है, चाबी डाल के मापना है, और फिर एम्पिलर डालना है, चाबी डाल के मापना है, बाउल डालना है दोस्तों। और उसी तरह से प्रकार से हमारा पंप जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये 1 HP 10 स्टेज का पंप है जिसमें 7 नंबर का एम्पिलर आ जाता है। दोस्तों 9 एम्पिलर हमने डाल दिए हैं। दोस्तों लास्ट स्टेज है, यहाँ पे भी देख सकते हैं चाबी नहीं जा रहा है, टाइट जा रहा है, तो फिर से क्या करना है, यहाँ पे आधे एमएम का वैसा डाल देना है। और फिर दोस्तों लास्ट स्टेज हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की बाउल की डिश भी निकाल सकते हैं, जिससे क्या है पानी का प्रेशर जो है ज़्यादा बढ़ जाता है लास्ट में, कुछ इस तरह से। दोस्तों ये स्लीव आ जाती है जिसमें दोस्तों हमें मापना होता है कि स्लीव जो है शाफ्टिंग से केवल 1 mm ही ऊपर रखनी है। यदि स्लीव नीचे है तो यहाँ पे वाइसर डाल देना होता है हमें। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्लीव है शाफ्टिंग से 1 mm ऊपर रखनी होती है। अब दोस्तों क्यों रखनी होती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी ये एम्पिलर जो है यहाँ पे दोस्तों हिल रहा है, देख सकते हैं कितना मूवमेंट हो रहा है। यदि मोटर जो चलेगी तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से झटका लगता है, क्योंकि दोस्तों मोटर की RPM की स्पीड 2880 RPM आते हैं। यदि झटका लगेगा तो ये एम्पिलर जो है टूट जाता है। इसके लिए हमें इसके ऊपर हमें स्लीव्स में आधे mm 1 mm स्लीव जो है ऊपर रखनी होती है, और उसके ऊपर टॉप वाइसर रख के। अब चलिए हालांकि बोल्ट टाइट कर देते हैं, मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही कि क्यों जो है स्लीव को 1 mm ही ऊपर रखना होता है। दोस्तों एलंकी बोल्ट को टाइट कर देना। अब दोस्तों ये देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है ये एम्पिलर, यानी कि बिल्कुल भी नहीं मूवमेंट हो रहा है। दोस्तों क्या होता है कि जो स्लीव जब हम यहाँ पे एलंकी बोल्ट टाइट करते हैं स्लीव के ऊपर रख के, तो एम्पिलर जो है 1 mm नीचे की ओर दब जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे दब जाता है, यहाँ पे चाबी नहीं जाएगी, क्योंकि 1 mm हमने दबा दिया एम्पिलर को, और ये चाबी 4 mm की। पहले यहाँ पे हमने 4 mm चाल रखा था, लेकिन जब स्लीव पे हमने प्रेशर मारा, इसको दोस्तों प्रेशर बोलते हैं। अब दोस्तों एम्पिलर कितनी भी स्पीड से मोटर चले दोस्तों एम्पिलर उसी के साथ भी चल पड़ेगा, एम्पिलर बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। चलिए इसको खोल के अब दोस्तों आप समझ गए होंगे लगभग। तो चलिए एलंकी बोल्ट खोल के अब दोस्तों उसके ऊपर हमें बाउल डाल देना होता है। सबसे पहले उसके ऊपर स्लीव लगा देनी है, और ये दोस्तों ये चाबी इसके ऊपर हमने रख देनी है, चाबी के खांचे में, जिससे क्या होता है स्लीव जो है बिल्कुल घूम नहीं पाती, इस चाबी के खांचे पे अटक जाती है स्लीव। उसके ऊपर दोस्तों टॉप वाइसर रख देते हैं, और एलंकी बोल्ट्स लगा के चलिए टाइट कर देते हैं। दोस्तों इसको फुल टाइट कर देना है आपको। दोस्तों चलिए इस पंप के ऊपर हमें पाइप लगाना होता है। पाइप को लगाने की दोस्तों विधि होती है, सबसे पहले इस NRV को यहाँ पर रखें, और फिर यहाँ पे पाइप रख के यहाँ पे मापना होता है कि यहाँ पे दोस्तों हमें 1 mm की जगह यहाँ पे भी रखनी होती है। जितना यानी कि दोस्तों स्लीव में हमने ऊपर रखा जितना, उतना ही हमें यहाँ पे रखना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइप जो है NRV से ऊंचा है, इसलिए हमें इस वाइसर का उपयोग करना होता है। इस वाइसर को दोस्तों यहाँ पे रख देना है, और फिर से अब दोस्तों देख सकते हैं ये कितना हिल रहा है, यानी कि दोस्तों 1 mm यहाँ पे हमें जगह रख देनी होती है, जिससे पाइप टाइट हो जाएगा, और ये दोस्तों बाउल जो है ये भी 1 mm दब जाएंगे।
यानी कि स्लीव में हमने दोस्तों 1 mm स्लीव में प्रेशर मार के इस एम्पिलर को दबाया था, उसी तरह इस एनआरवी में प्रेशर मार के इस वाइसर के जरिए दोस्तों बाउल को भी दबाना होता है। यदि बाउल को हम नहीं दबाएंगे तो ये सब दोस्तों सब खांचों से पानी निकलेगा और दोस्तों पंप जो है प्रेशर नहीं देगा। चलिए 1 mm दबा के इसके ऊपर चलिए पाइप लगाते हैं। चलिए अब पंप को टाइट कर देते हैं, सिगरा पे लगा के दोनों तरफ पाना में लगाना होता है और फिर पंप को टाइट कर देना। दोस्तों पंप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है हमारा, इसमें दोस्तों कंप्लीट हो चुका है उसका मेन, यहाँ पे देख सकते हैं पंप फ्री घूमना चाहिए। अब देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल भी पंप फ्री घूम रहा है और इसको दोस्तों प्ले भी देख सकते हैं, 3 mm 3.5 mm कम से कम होनी चाहिए तभी दोस्तों ये पंप चलेगा, वरना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यदि दोस्तों पंप जाम होगा तो क्या होगा, थोड़ा दिन चलने के बाद बूस्ट खराब कर देगा। दोस्तों V3 का पंप जो है कंप्लीट हो चुका है।